नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आई जे यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 2023 के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं और यहाँ पे जो वैकेंसीज रहने वाली हैं वेरियस पोस्ट के लिए रहेंगी, जिसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन हेडक्वार्टर धानपुर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका फोन नंबर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए आप जो कोई भी हेल्प यहाँ पे ले पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आपका रहेगा वो पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, नॉन पैरामेडिकल पोस्ट स्टाफ के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑफिस रहेगा वो आपका दानापुर, मुजफ्फरपुर एंड छपरा आपका रहेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे वेरियस यहाँ पे जो आपके स्टेशन है इसके लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे जो वो लिया जाएगा एंड अगर आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो उसको आपको जो वो यहाँ पे कंटिन्यू आगे भी कर दिया जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकती हैं जो वैकेंसीज का यहाँ पे रहेगा वो आपकी OIC आपके यहाँ पे पॉलीक्लिनिक की पोस्ट रहेगी। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए 12 आपके यहाँ पे जो पोस्ट रहेंगी। 75,000 आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS रखी गई है, यहाँ पे भी आपकी 14 यहाँ पे पोस्ट रहेंगी, इसमें 75,000 सैलरी रहेगी। मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए MD MS आपने कर रखी है, एक पोजीशन आपकी रहेगी, इसमें 1 लाख सैलरी दी जाएगी। डेंटल ऑफिसर के लिए BDS आप होने चाहिए, 75,000 सैलरी रहेगी। उसके अलावा जिग्नोलिस्ट के लिए आपकी यहाँ पे MDM अगर आपने कर रखी है, MS कर रखी है तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BSc आपकी होनी चाहिए, इसमें भी एक पोस्ट रहेगी, 28,100 आपकी सैलरी रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 28,100 सैलरी रहेगी। फार्मासिस्ट के लिए BA Pharmacy के लिए 11 पोस्ट रखी गई हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM कर रखी है 4 पोस्ट के साथ में, 28,100 सैलरी आपको दी जाएगी। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट रहेंगी, इसमें भी 28,100 आपकी सैलरी रहेगी, डिप्लोमा आपका मांगा गया है। ड्राइवर के लिए 8 पास हैं, उसके अलावा आपका ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 2 पोस्ट रहेंगी, इसमें 19,700 सैलरी रखी गई है। चौकीदार के लिए आपकी 8 पास होने चाहिए, जो कि आपका ट्रेड आपका होना चाहिए यहाँ पे आर्म फोर्सेस का GD में, एंड यहाँ पे 16,800 आपको सैलरी दी जाएगी। फीमेल अटेंडेंट के लिए लिटरेट में यहाँ पे 2 पोजीशन रहेंगी, 16,800 सैलरी रहेगी। सफाई वाला की यहाँ पे पियन की यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है, IT टेक्नीशियन की, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लर्क के लिए ग्रेजुएट यहाँ पे मांगे गए हैं, जिसमें कि आपकी टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकती हैं, 100+ टोटल वैकेंसीज आपकी रहेंगी। तो काफी अच्छी आपको यहाँ पे सैलरी भी दी जा रही है। जो आपके टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी वो आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे रहेगा। तो आपको इनके ऑफिशियल नोटिस पे आपको यहाँ पे इनका जो वो आपका एड्रेस आपको मेंशन किया गया, इसका फोन नंबर भी आपको दिया गया, इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की, तो आपको यहाँ पे 31 जनवरी से पहले पहले फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका रहेगा आपके फॉर्मेट्स के साथ में सेल्फ टेस्टेड कॉपीज आपकी रहेंगी, वो आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको सारे सेंड करने हैं। सबमिटेड आपको जो करने हैं वो OIC स्टेशन आपका हेडक्वार्टर सेल, ECHS आपका रहेगा जो कि केयर ऑफ हेडक्वार्टर्स आपका झारखंड एंड बिहार सब एरिया दानापुर कैंट पटना बिहार में आपको 31 जनवरी 2023 से पहले पहले सबमिट करना है। बाकी जो भी आपका 31 के बाद में यहाँ पे रिसीव किया जाएगा उसको जो वो नॉट एक्सेप्टेड किया जाएगा। एप्लीकेंट का मेंशन कर देना है, अपॉइंटमेंट जो भी ऊपर रहेगा आपको रिवेल के ऊपर ये मेंशन करना है। इसके बाद में इसका जो वो इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू की डेट एंड टाइमिंग जो रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू की डेट आपकी टाइमिंग, जो भी आपके कैंडिडेट्स रहेंगे उनको इंटरव्यू के लिए सेम स्टेशन पे जाना पड़ेगा जो आपका रहेगा 20 फरवरी 2023 को। इसमें जो पोस्ट रहेंगी OIC मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डेंटल ऑफिसर, जियो जिग्नोस्टिक्स आपका 21 फरवरी को जो आपका रहेगा, आपका लेबोरेटरी का, टेक्नीशियन का, उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट का, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट का, डेंटल हाइजीनिस्ट का, असिस्टेंट टेक्नीशियन का, ये 22 फरवरी को जो आपका रहेगा। एंड वो आपका चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट,
पीएन सफाई वाला का, एंड 23 फरवरी को रहेगा आईटी नेटवर्क का, टेक्नीशियन का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एंड क्लर्क का। ये सभी आपके जो रहेंगे वो आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो वैकेंसी रहेंगी वो किसी भी कारण से चेंज भी की जा सकती हैं, जो कि ECHS न्यू दिल्ली के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी चेंज की जाएंगी। तो काफी अच्छी ये वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं काफी अच्छी आपको यहाँ पे 1 ईयर के लिए वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें कि काफी अच्छा आपको इमोलमेंट्स भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, इजी प्रोसेस रहेगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर लें, स्पीड पोस्ट के थ्रू आप जॉब सेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जॉब वहाँ पे अपने यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।